नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित झा। बिहार की सियासत इन दिनों बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रही है। सीएम मांझी और उनके बयानों को लेकर जेडीयू और आरजेडी नेताओं की बयानबाजी, फिर हर बयान के निकलते मायने और मायने निकाले जाने पर फिर एक सफाई वाला बयान। पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी ने अब्बास मस्तान की सस्पेंस से भरी फिल्म देखने का एहसास करा दिया है, लेकिन लगता है कि सियासी फिल्म में क्लाइमेक्स का वक्त आ गया है। सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। तारीख मुकर्रर भी हो चुकी है, 29 नवंबर। 29 नवंबर के बाद बड़ा फैसला होगा, इसके संकेत मिल गए हैं। लेकिन मांझी ने खुद के सीएम पर बने रहने की तारीख पर तारीख लगातार बोते रहे हैं। पहले नवंबर तक ही सिमटने की बात कही, अब मई 2015 तक सीएम बने रहने की भविष्यवाणी कर दी है। सवाल है कि इतना सस्पेंस क्यों, और सस्पेंस से पर्दा उठेगा तो क्या होगा। बड़ी बहस इसी पर। जी हाँ, जीतन राम मांझी की मियाद पर सवाल और मांझी ने किसे छोड़ा मंझधार में। दरअसल मांझी की वजह से बिहार की सियासत में खलबली सी मची हुई है। हालांकि चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन अभी से वक्त ने सियासत की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। जीतन राम मांझी आखिर कब तक सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे या उन्हें बने रहने दिया जाएगा, अब ये सवाल बिहार की सियासत के फिजा में तैर रहा है। कई मान रहे हैं कि इसकी वजह मांझी के लगातार आ रहे सनसनीखेज बयान हैं, और कई मान रहे हैं कि मांझी के बयान से जेडीयू असमंजस में पहुंच चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह की बुनियादी बात करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मौका है, इस मौका का लाभ मत। किसी ने अभी कहा जीतन मांझी मत घबराना, तेरे पीछे नया जवाना। ये लोग कहते हैं जीतन मांझी घबराने वाला है, नहीं घबराएगा, टूट जाएगा लेकिन नहीं झुकेगा। वो ये कह देना चाहते हैं बहुत लोगों को। किसने सोचा था कि जो जवाब नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे के माध्यम से विरोधियों को दिया, वही राजनीतिक दांव उनको उत्तर रहे यानी आंसर लेस कर देगा। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने को लोग नीतीश का मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, पर आज नीतीश मास्टर की भूमिका में नहीं दिख रहे और पार्टी के अंदर स्ट्रोक के हालात। हालांकि नीतीश खुद कह रहे हैं कि 29 नवंबर के बाद देखा जाएगा क्या किया जाएगा। सर, मांझी जी ने पार्टी नेतृत्व के बाद बात करें। मांझी जी ने पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी है। सर, अभी जाने दीजिए ना। सर, मांझी जी ने पार्टी नेतृत्व के बाद बात करें। मांझी जी ने पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी है। सर, अभी जाने दीजिए ना। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू आरजेडी का है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि आरजेडी का समर्थन जेडीयू को है, न कि किसी व्यक्ति को। यानी बड़ी सफाई से गेंद को जेडीयू के पाले में डालने की कोशिश आरजेडी कर रहा है, पर यह भी चाह रहा है कि मौके पर बाउंड्री वही लगाए। भाई, सहयोगी पार्टी से जब राय होगी तब ना, ये तो उनके दल का मामला है, इसमें हम क्या बोल सकते। आप समर्थन जारी रखेंगे? भाई, हम समर्थन तो बिना शर्त दिया है इनको। समर्थन पार्टी को दिया है या किसी मुख्यमंत्री? पार्टी को दिया है। पार्टी को जारी रखेंगे, पार्टी को समर्थन। सवाल मांझी को लेकर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि एक तरफ इलेक्शन की तैयारी, दल मजबूती से वापसी करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ मांझी के समय को वक्त पर छोड़ देने की बात हो रही है। साकेत कुमार और अमित झा, जी मीडिया, पटना। लेकिन जो अब बयान आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि सस्पेंस पर से पर्दा उठने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा कि 29 नवंबर के बाद हम बात करेंगे। सीएम मांझी खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मई 2015 तक वो सीएम बने रहेंगे, ये भविष्यवाणी भी कर दी है। आखिर हो क्या रहा है, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल में 4 मेहमान हैं, हम आपका परिचय करवा दें। सुहेली मेहता हमारे साथ हैं एलजेपी की तरफ से, अजय आलोक जी हैं जेडीयू की तरफ से, अच्युतानंद जी हैं बीजेपी की तरफ से, और भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं आरजेडी की तरफ से। बहुत स्वागत है आप सभी का। अजय जी, आप ही आज सुर्खियों में रहेंगे क्योंकि चर्चा आप ही की पार्टी के नेता की हो रही है, सवाल आपसे ज्यादा होगी।
क्या सस्पेंस पर से पर्दा 29 नवंबर के बाद उठ जाएगा, और वो सस्पेंस पर से पर्दा उठेगा तो होगा क्या? कौन से सस्पेंस की आप बात कर रहे हैं? सीएम मांझी आखिर क्यों खुलकर कह रहे हैं कि हम घबराने वाले नहीं हैं, हम अभी डटे रहेंगे, बने रहेंगे, और चेतावनी जो दे रहे हैं वो चेतावनी कितना भी दे दें हम चेतावनी से डरने वाले नहीं हैं। स्वाभाविक है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिस पद को सुशोभित करते हैं वो पद पर बैठ के कोई घबराता है क्या? और जो उन्होंने कहा कि हम घबराने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, तो आप अर्थों बयान के अर्थ को देखिए, उसके मर्म को समझिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अगले नवंबर तक मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। इसकी शुरुआत भी उन्होंने कल कर दी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तर्ज पर एक शोध संस्थान भी खोल दिया। एक पर एक काम तो वो करते जा रहे हैं। समस्या ये है, इतने अच्छे काम मैं बता रहा हूँ, समस्या ये है कि जिस मुख्यमंत्री को आज से 4 महीने पहले तक 3 महीने पहले तक 15 दिन पहले तक विपक्ष के लोग और उनके चाहने वाले लोग उनको रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड सीएम कहते थे, आज वो लोग स्तब्ध हैं। नहीं, आज वो स्तब्ध हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। आज वो स्तब्ध हैं कि ये रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड चीफ मिनिस्टर इतना कैसे बोल रहा है। समस्या है, चित भी मेरी पट भी मेरी। वो स्तब्ध है तो फिर शरद यादव क्यों कह रहे हैं कि संयम बरतना चाहिए? देखिए, क्यों केसी त्यागी कह रहे हैं अल्टीमेटम की बात? केसी त्यागी ने अल्टीमेटम की बात नहीं कही, शरद जी ने जरूर कहा कि मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और जो कि सर्वथा व्यादित है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं तो कुछ कुछ शब्द कभी कभी निकल जाते हैं। मेरी पट मेरी कौन कर रहा है ये? तो अभी विपक्ष कह रहे हैं, पहले कहते थे कि रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड सीएम, आज कहते हैं कि जितना मांझी बिल्कुल लीडर हो गए हैं, जदयू नेतृत्व को उन्होंने सत्ते में डाल दिया, लीडर हो गए हैं, तो फिर आप सलाह क्यों दे रहे हैं संयम? हम क्यों सलाह देंगे? हमने सलाह नहीं दी है, हमने चेतावनी दी है। किसी ने, वशिष्ठ नारायण सिंह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने बयान में कहा है कि राजनीति में चेतावनी नहीं दी जाती है कभी, राजनीति सलाहों से चलती है, मशविरा से चलती है। देखिए, और उनको ये सलाह दी गई कि आपके शब्दों को मीडिया गलत तरीके से उछाल देता है तो थोड़ा सा बस आप ध्यान दीजिए। ये सलाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी तो क्या गलत किया? ऐसा बहुत बार होता है कि राजीव गांधी के मुंह से भी निकल गया था कि हम उनकी नानी याद दिला देंगे। आप याद कीजिए, पूरे देश में क्रिटिसिज्म का एक दौर चल गया था। अजय जी, बहुत बयानों को पकड़ के उसमें अर्थ निकालिएगा तो बहुत सारे अर्थ निकालने की बात नहीं है। आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अजय जी, ठीक है, यहाँ पर आपका एक जॉब है, आपका काम है कि उन चीजों को ढक के रखना, लेकिन ढक के नहीं रखना। शरद यादव ने खुलकर कहा था कि संयम बरतना चाहिए, केसी त्यागी कह रहे हैं कि ऐसे बयान देते रहेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा, तमाम विधायक पहले ही कह चुके हैं पार्टी को नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है, अब आप कितना ढकिएगा? देखिए, हम ढक नहीं रहे हैं। दो तीन बातें शरद यादव जी ने और कही जो आपको मैं याद दिलाता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताऊंगा। शरद यादव जी ने सारे प्रवक्ताओं को और पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भी ये कहा कि बातें मीडिया में बोलने से पहले पार्टी के फोरम पे जरूर बोलें, ये ना भूलें कि आप कोई भी बात अपने मुख्यमंत्री के बारे में कर रहे हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में कर रहे हैं। शरद जी ने यह भी बोला, तो इसकी चर्चा भी आप कीजिए। मैं वही कह रहा हूं, तो ये बोलने एक बयान का अर्थ 5 तरीके से अनर्थ में निकलता है, एक बयान का अर्थ 5 तरीके से सुअर्थ में निकलता है। अब ये डिपेंड करता है निकालने वाले पे। मांझी जी ने कुछ कुछ बातें कही, बहुत लोगों को नागवार गुजरी होगी, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि उस बयान पे बयानबाजी। वो आपकी पार्टी के नेता भी हैं। बिल्कुल ही हमारे पार्टी, बिल्कुल हमारे नेता हैं, तभी हमारे मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, तो पार्टी के फोरम पे रखनी चाहिए थी। खैर, वो बात आई गई होगी। अब आप इसमें अर्थ निकालेंगे कि एक अल्टीमेटम हो गया, 29 तारीख को नीतीश जी बोलेंगे। अरे, नीतीश जी अपने कार्यक्रम को लेकर व्यस्त हैं, उस 12 तारीख से यात्रा पर निकले हुए, बिहार में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, अपार कार्यकर्ताओं को सुनने उनको आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हो रहा है। आइए, व्यर्थ की बातों पे समय व्यर्थ करना नीतीश जी की फितरत में नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि 29 तारीख के बाद बात। तो वैसे ही बैठक हुई और मांझी को लेकर भैया रात में खाना खाने आए थे। शरद जी जब भी पटना आते हैं नीतीश जी के आके बैठ के रात में खाना खाते हैं, उसमें भी अगर आप बैठक कहेंगे और उस बैठक को भी आप राजनीतिक बैठक कहेंगे तब तो कोई खाना खाने भी नहीं। भगवान जी, क्या मांझी को लेकर कुछ भी नहीं है? ऐसे ही ये हवाबाजी है क्या? मांझी को लेकर कुछ है ही नहीं? जेडीयू के अंदर इतने लोग बोल रहे हैं, शरद यादव कह रहे हैं संयम बरतना चाहिए, केसी त्यागी सीधे चेतावनी की बात, अल्टीमेटम की बात कह रहे हैं, तो क्या कुछ है ही नहीं? सीधे अजय जी कह रहे हैं। दरअसल मांझी जी के बयान पर या मांझी जी के कार्यशैली पर मैं समझता हूँ हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल में कोई सवाल नहीं है, बशर्ते कि जनता दल यूनाइटेड का जहाँ तक प्रश्न है, तो मैंने शरद जी का भी बयान पढ़ा और केसी त्यागी का भी बयान पढ़ा है। शरद जी का बयान कोई ऐसा नहीं, चेतावनी भरे लहजों में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सरकार से ऊपर पार्टी होती है, और पार्टी के द्वारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात की सुझाव देता है तो उसको मैं चेतावनी शब्द से नहीं परोया जा सकता।
और मैंने यहाँ भी कई सवालों पर जब मांझी जी बोल रहे थे तो उनके दल के भी कई वैसे विधायकों ने उसका विरोध किया, तो मैं समझता हूँ कि वो विधायक जो विरोध किया है या उनका आलोचना किया है, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी इतिहास के गर्भ में जाना चाहिए। इतिहास क्या है देश का, और इतिहास पढ़े। आपने ये बात रखी क्या जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के सामने कि आपके विधायक कुछ बोल रहे हैं एक महादलित सीएम को लेकर, तो जरा उन पर लगाम लगाइए। ना पार्टी के अध्यक्ष को चाहिए कि उन पर लगाम लगाए। और मैंने सुना आज कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सभी प्रवक्ताओं को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कहा है कि मांझी के ऊपर किसी तरह के बयानबाजी करना उचित नहीं है। मैं लेकिन फिर भी अगर ये मांझी अगर कह रहे हैं, सीएम मांझी अगर ये कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, घबराने वाला नहीं हूँ, कुछ लोगों कह देना चाहता हूँ, चेतावनी में चेतावनी से डरने वाला नहीं। झा जी तो मांझी जी क्या बोले कि मैं डरने वाला हूँ, डर करके राज चलता है। नहीं, देखिए कुछ बयान इशारों में भी दिए जाते हैं और इशारे भी। इन्होंने कहा विपक्ष से डरने वाले नहीं है, विपक्ष लाख आरोप लगाए उस आरोप से डिगने वाले नहीं है। अच्छा, मेरा जो सामाजिक न्याय की मिशन होगा उसको पूरा करेंगे। अच्युतानंद जी, विपक्ष अंतिम मंजिल तक जाएंगे। आपको कहा है क्या? जी जी, आपको कहा है कि आपसे डरने वाले नहीं है वो, या वो किसके लिए? सीएम मांझी किसको, किससे डरने वाले नहीं है, नहीं डरने वाले है, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह के गोद में। लेकिन इतना मुझे कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन श्री नीतीश कुमार जी ने तोड़ा, तब से जो सोशल हारमोनी है देश का और बिहार का, उसको तोड़ने का काम ये सब लोग कर रहे हैं। जैसे कलेक्टर एसपी के सम्मेलन में मांझी जी कहते हैं कि नीचे से पैसा जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर मैं बैठे हुए हूँ, पैसा कहाँ जाता है। विकास मित्र के सम्मेलन में बोलते हैं नीचे से पैसा लेना लेकिन ऊपर पैसा नहीं देना, ऊपर मैं बैठा हुआ मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। डीलर्स एसोसिएशन के सम्मेलन में बोलते हैं कि आप लोग छोटी मछली को हम नहीं पकड़ते, हम बड़ी बड़ी मछलियों पर जाल फेंकते हैं। फिर अब उन्होंने कहा कि सवर्ण जाति विदेशी है, दूसरे देश से आया। नहीं, मेरा सवाल तो जेडीयू के अंदर की स्थिति को लेकर है। अब जेडीयू के अंदर की स्थिति है तो जो मांझी जी जो हैं शरद यादव के इशारे पर जो कुछ भी बोलते हैं, शरद यादव के इशारे पर बोलते हैं। और शरद यादव क्यों कह रहे हैं संयम बरतना चाहिए, यानी इशारे पर नहीं बोल रहे हैं? शरद यादव संयम बरतना चाहिए ये भी बोले हैं, और उन्होंने ये भी बोला है शरद यादव ने कि मांझी जी की जो स्थिति रही है, अपने दुख दर्द का ब्याह कर रहे हैं और जिस समाज से वो आए हैं। तो मांझी जी आज मंत्री और एमएलए नहीं बने, मांझी जी कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी नेता रहे हैं और जदयू के भी नेता रहे हैं। आपको लगता है कि मांझी को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? मांझी के लेकर बड़ा फैसला होने फैसला हुए जदयू के अंदरूनी मामला है। लेकिन जिस हिसाब से जदयू के लोग भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के, बड़ा भारी चिंता जदयू को है, बड़ा भारी चिंता शरद जी को है कि बिहार के गरीब लाचार बेबस किसान मजदूर के विकास का। तो 2002 में जो बीपीएल बना, जिस बीपीएल के आधार पर गरीब माता पिता को इंदिरा आवास मिलता है, बीपीएल के आधार पर बुढ़ा बुढ़ी पेंशन मिलता है, नहीं एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए ना, अरे आप बीपीएल के आधार पर उनको स्वर्ण जयंती स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के माध्यम से और उनको रोजगार के सृजन का अवसर मिलता है, कुकुट पालन से लेके और ये तमाम चीजों के प्रति, अरे बड़ा ईमानदारी था तो तमाम चीजों के प्रति वो जागरूक होके ठीक करते तो गरीबों को लाभ मिलता। केवल भाषण से, झाजी सुन लीजिए, केवल भाषण से गरीबों का लाभ मिल जाए, केवल भाषण से दलित और महादलित का लाभ मिल जाए, ये नहीं है। जो जब तक अकल रिपोर्ट मांझी को क्या आप डरा रहे हैं? हम क्यों डराएंगे सीएम मांझी को? हम तो सर देश भर के अंदर जो हमारा वातावरण बना, इन्होंने गठबंधन तोड़ा। जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था तो हम बिहार 18% के विकास दर से आगे बढ़ा था, और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटा तो 7% के विकास दर पर चला गया है। फिर वो जो इसके पहले भी रिपोर्ट कार्ड इन्होंने जो जारी किया है वो उसमें भाजपा के जो मंत्री है उनके उपलब्धि को नहीं गिनाया। सीएम मांझी आज कल जो रिपोर्ट कार्ड जारी होगा किसका उपलब्धि गिनाएंगे, मांझी का या नीतीश जी के पूरे कार्यकाल का? उस पर मैं आऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मांझी अब निडर हो गए हैं आपकी नजर में,
या फिर डर रहे हैं, और डर रहे हैं तो किससे डर रहे हैं? अगर निडर हुए तो यानी रिमोट कंट्रोल वाली बात आपकी ठीक है। मैं सीधा सीधा कहता हूं कि माझी ना निडर हो गए हैं ना माझी डर रहे हैं। माझी जो सहमात का जो अधिखेल है शतरंज का, उस शतरंज के सहमाल के मात के खेल में अपने जो उनके नेता हैं आका हैं उसके निर्णय को दृढ़ता पूर्वक वो समाज के जो वातावरण बना है देश के अंदर सोशल हार्मोनी का, देश स्वाभिमान के आधार पर खड़ा होने का एक, यानी वो रिमोट कंट्रोल के सीएम नहीं है, रिमोट कंट्रोल के सीएम है और रिमोट कंट्रोल से माझी तो बोलते हैं। इसके पहले माझी का ऐसा कभी, माझी पहले भी मंत्री रहे हैं, कभी सरकार के तनाव आपने देखिए, आपने खुद कहा कि वो दृढ़ता के साथ आका जो कहते हैं दृढ़ता के साथ उसका विरोध कर रहे हैं, मन से विरोध कर रहे हैं, यानी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलना चाह रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उनके जो आका हैं, उनके जो नेता हैं शरद जी, उनके इशारे पर माझी सारा अपना बयान देते हैं। नीतीश कुमार को बोलते हैं। अगर शरद देखिए नीतीश कुमार शरद जी या नीतीश जी में क्या अंतर है? शरद यादव अगर कह रहे हैं उनके इशारे पर बयान दे रहे हैं तो शरद यादव क्यों कह रहे हैं कि संयम बरतना चाहिए? शरद यादव तो अगर उनके इशारे पर डांटा है ना, नहीं प्रवक्ता को भी डांटा है अपने फोरम पर। बीजेपी कंफ्यूज हो रही है यहाँ पर। आप मुझे कंफ्यूज पार्टी कैसे, बीजेपी कंफ्यूज पार्टी? अच्छा जी, नहीं मुझे ये बताइए, मुझे आपने आपने खुद कहा कि शरद यादव के इशारे पर बयान दे रहे हैं मांझी। अगर इशारे पर बयान देते, इशारे पर बयान दे रहे हैं, अगर बयान देते तो फिर संयम बरतने की सलाह क्यों देते शरद यादव? संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं और उनको रोक नहीं रहे हैं वो नीति जो सोशल हार्मोनी कम्युनल हार्मोनी बिहार रोक नहीं रहे, यानी कि मांझी अपने मन मुताबिक चल रहे हैं उनके बयान से, तो मांझी यानी अपने मन मुताबिक चल रहे हैं जी? नहीं, मांझी तो अपने मांझी अपने नेताओं के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों बातें कैसे? मांझी मांझी जो बयान दे रहे हैं, मांझी को मैं विगत 10 साल 12 साल से तो मैं असेंबली में देख रहा हूं, कभी मांझी श्री जीतन राम मांझी का बयान इस प्रकार का कभी नहीं असेंबली के फ्लोर से लेके बाहर आया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री इसी मुद्दे को लेकर मैं आना चाहूंगा, सुहेली जी, ये इस तरह के जो बयान आ रहे हैं और सीएम मांझी अगर खुलकर कह रहे हैं मन से कि मैं घबराने वाला नहीं हूं या फिर मैं मई 2015 तक सीएम रहूंगा, या कुछ दिनों बाद बयान आता है, कुछ दिनों पहले बयान आता है, मतलब सीएम रहूंगा नहीं रहूंगा ये भी कह देते हैं, तो कुछ भी खास नहीं, ये क्या हो क्या रहा है? और ये जो दोनों नेता हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं बिहार की राजनीति के, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आजकल इन लोगों दोनों नेता नीतीश कुमार जी और मांझी जी दोनों के बयान से ऐसा लगता है कि राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है। माननीय नीतीश जी कहते हैं बीजेपी कन फोड़वा पार्टी है, कन फुकवा पार्टी है। माननीय मांझी जी वो समझ ही नहीं रहे हैं कि हम किस पोस्ट पर हैं और हमको किस तरह की बातें करनी चाहिए जनता के सामने। हम मुख्यमंत्री हैं, यहाँ विकास की बात होनी चाहिए, यहाँ हर रोज एक सलाह दे रही है, तो इस सलाह के साथ एक दिन भी बिहार में आज ऐसा नहीं जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में जाति की बात ना हो, महादलित की बात ना हो। सिर्फ ये बात करते हैं, महादलित के विकास की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। लेकिन एक सेकंड, हाँ, मांझी के बयानों को लेकर आप कह रहे हैं कि उन्हें रोकना चाहिए, तो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व अगर सलाह दे रहे हैं संयम बरतने की, तो आपको तारीफ करनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही है कि अगर तो मान कहाँ रहे हैं, वो सलाह मान नहीं रहे हैं ना, हर फोरम पर वो बस जाति की बात ले आते हैं, समाज में बिखराव ये लोग पैदा कर रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, हम इसी बात को लेकर आपकी इसी पॉइंट पर बिखराव लाते हैं, एक तरफ जाति दे रहे हैं, आपके अंदर भी विरोध है, आप भी कह रहे हैं कि ठीक है हो सकता है आपके अंदर कुछ लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सलाह आप दे रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ गलत बोल जाते हैं वो, फिर भी रुकते नहीं है, अगले ही दिन सलाह देने के अगले ही दिन फिर फुल मूड में आ जाते हैं और फिर मन से कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो विवादों का कारण बनता है। जी, बड़ा सुखद संयोग है, मैं तो देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता काफी कंफ्यूज्ड हो गए हैं। बीजेपी को तो आपने भी कह दिया, बगल में सुहेली जी अभी बोल रही थी, एक सप्ताह पहले रामविलास जी का बयान एक पेपर में आया था, बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की थी उन्होंने मांझी जी की, कि मांझी जी जैसा मुख्यमंत्री बिहार को बहुत नसीब के बाद मिला। अभी ये कह रहे हैं कि मांझी जी अजीब आदमी है, किस पद पे बैठे हुए हैं, क्या बोल देते हैं, बुराई नहीं कर रहे, या तो रामविलास जी गलत है या सोहेली जी गलत है। को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, रामविलास जी को समझा दीजिए कि तारीफ ना किया करें। लेकिन आपकी बात वरिष्ठ नेता है, उनको बहुत करीब से जानते हैं, वो तारीफ कर रहे हैं ना, बहुत पहले से तारीफ कर रहे हैं ना, लेकिन हम एक आम रामविलास जी जानते हैं कि मांझी जी अच्छे लोग हैं, क्या देख रहे हैं, संगत उनका बुरा लोग जनता है
सीएम मांझी अगर लगातार बयान दर बयान दे रहे हैं, दोनों नेता हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, अब आपको सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। नहीं, फिर आपके अंदर तारीफ क्यों नहीं हो रही है? जी आपके अंदर तारीफ क्यों नहीं हो रही? हमारे अंदर बिल्कुल तारीफ हो रही है, हमारे सभी नेता एक मत है, हमारे सभी मंत्री जितने लोग हैं सब उनके अध्यक्षता में काम कर रहे हैं और बिहार आगे बढ़ रहा है। अनंत सिंह, बिहार आगे बढ़ रहा है। अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह विधायक है, और मैंने पहले भी कहा कि किसी विधायक को अगर किसी बात नागवार गुजरी हो तो ये बिल्कुल तो हिदायत दी गई है, हिदायत दी गई है। देखिए लोकतांत्रिक पार्टी, मैं अजय जी, बहुत बर्तन जहां होंगे वहां ठनके गए। अजय जी यहां पर आप भी पर दो तरह की बातें कर रहे हैं। मैं दो तरह की बातें नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं एक मत भी है और फिर खटके का भी। मैं आपसे सीधा समझना चाह रहा हूं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपकी पार्टी के विधायकों को भी नागवार गुजरती है और आपके नेतृत्व को भी लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी वो बोलते रहते हैं। इसका मतलब वो अपने मन मुताबिक कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जेडीयू के अंदर आप सोच रहे हैं ऐसा कि भाई इसका समाधान क्या निकाला जाए? समाधान उस मुसीबत का निकाला जाता है जो कि मुसीबत बहुत बड़ी हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, जो आपको नुकसान, अभी अनकंट्रोल नहीं है, जो आपको नुकसान पहुंचा रही हो, ऐसी कोई मुसीबत ही नहीं है। नंबर आप ही के नेता कह रहे हैं कि पार्टी को नुकसान होता है। ये नेता, पार्टी के नेता केसी त्यागी जी ने, इनका बयान एक पेपर में आया था, बाद में त्यागी जी ने यह भी कहा कि मुझे मिसकोट किया गया। खैर बात आई गई होगी, छोड़ दीजिए, वो तो खैर हमारे कुछ विधायकों ने अगर नाराजगी जाहिर की, आप अनंत सिंह का नाम ले रहे थे, अगर कुछ नाराजगी जाहिर की हो तो उसी के बारे में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिप्पणी दी थी कि किसी भी नेता को अगर किसी तरह की नाराजगी हो तो मीडिया के फ्रंट पे नहीं, पार्टी के फोरम पे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अजय जी, लेकिन यहाँ दोनों तरह की बातें, आप ठीक है कह रहे हैं कि मीडिया के फ्रंट पर नहीं, पार्टी फोरम पर आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो, नहीं कुछ ना कुछ तो है जो बार 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 उनके बयानों को लेकर विवाद होता है। आपका काम कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ नहीं होगा। आपका भी तो काम नहीं चल रहा है अजय जी, आपके अंदर भी तो बयानबाजी होती रही है। बयान आते हैं तभी हम चलाते हैं, बिना बयान आए हम नहीं चलाएंगे। छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। मियाद मांझी के, अजय जी हम आपके पास ही आएंगे, जवाब आपका अधूरा रह गया था। जो मैं सवाल कर रहा हूँ, पहला सवाल कि बयानों को लेकर कुछ ना कुछ विवाद होता है, कुछ आप भी कह रहे हैं कि कुछ बोल जाते हैं वो, तो यही दिक्कत है, इसलिए उन्हें कहा गया संयम बरतना चाहिए। अब आगे क्या, संयम बरतेंगे अगर नहीं बरते तो? देखिए हर मनुष्य की अपनी अपनी कुछ आदतें होती हैं, कुछ कुछ अपनी खासियत होती है, कुछ कुछ अपनी विशेषता होती है। यही जीतन राम मांझी 6 महीने पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तो तमाम विपक्ष इंक्लूडिंग मीडिया भी ये मानता था कि कहीं ना कहीं से रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, जैसे नीतीश कुमार बोलेगा वैसे ही करेगा। बिहार चला रहे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार ने भी एक दो बार बोला हम तो डायरेक्ट चला रहे थे, क्या जरूरत है हमें रिमोट कंट्रोल की, तब कोई नहीं मानता था। आज वही विपक्ष, आज वही मीडिया कह रहा है जीतन राम मांझी बेबाक हो गए हैं, जीतन राम मांझी किसी की परवाह नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने मंच से ही बोला कि मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, जो मुझे आता है, मैं भी ज्ञानी हूँ, मुझे जो आता है मन में आएगा मैं वही करूँगा। अब आप कहते हैं, अब आपने नया सवाल एक नया निकाल दिया, जब ये सवाल खत्म हुआ अब उनकी मियाद कितनी है। अरे भाई मियाद कितनी है, जितनी सरकार की मियाद है उतनी उनकी मियाद है। अभी ये मांझी सरकार चल रही है, जब तक मांझी सरकार चल रही है जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहेंगे, जिस दिन मांझी सरकार हटेगी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो इसमें मियाद मैं बताने वाला कौन होता हूं? सरकार, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। चुनाव तक मांझी मुख्यमंत्री, बिल्कुल चुनाव तक मांझी सरकार रहेगी, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है ना। क्योंकि इसमें भी कई सारी बात थी, आपने कह दिया था कि मांझी सरकार रहेगी, मांझी सरकार तब रहेगी जब मांझी सीएम रहेंगे। आप अब देखिए, फिर आप अपने तीसरा सवाल निकाल दिया, तो सवाल चक्कर है कि आप निकालते जाएंगे तो ऐसे भ्रमिक सवालों का, ऐसे भ्रमिक सवालों का कोई भ्रामक सवाल नहीं है। मैं तो एक लाइन में आपको जवाब दे रहा हूं, मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूं कि मांझी मुख्यमंत्री थे, हैं और अगले चुनाव तक रहेंगे। उन्होंने खुद भी आज बयान दे दिया कि अगले नवंबर तक के चुनाव के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं, फिर कौन सा भ्रम पैदा होता है मियाद की? ठीक है, अब आइए आप तीसरा सवाल कि जदयू क्यों कह रहा है संयम बरतने। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे नेताओं को कहा संयम बरतने, सारे नेताओं को कहा कि पार्टी फोरम पे बात रखिए, तो क्या गलत कहा? किस पार्टी में नहीं कहा जाता है? क्या मुलायम सिंह अखिलेश यादव को नहीं नसीहत देते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी अपने भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को नसीहत नहीं देते हैं? अभी नहीं दी उन्होंने नसीहत, सबको ही देता है। जब वरिष्ठ हैं, एक अनुभव का लाभ है, तो राजनीतिक सलाहिक मशवरे से चलती है, न कि अपने हिसाब से। किसी को लगता है तो सलाह देने में कोई हर्ज नहीं है, और चेतावनी राजनीति में कदापि नहीं होती है।
इसीलिए गलत अर्थों को मत लगाइए, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, चलने दी, चल रहा है। और मैं कहूंगा डोंट रीड बिटवीन द लाइंस। नहीं नहीं, मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर नाराजगी है तभी तो कुछ ना कुछ कहा गया कि संयम बरतें, नाराजगी है तभी तो आपके अंदर। भाई देखिए, उनके बातों का बयानों का अगर गलत अर्थ कोई लगाता है और उससे नाराजगी हो जाती है तो वो अपनी पीड़ा जाके उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा। जैसे सवर्ण बाहर से बाहरी हैं, उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, ये संदर्भ बिना जाने हुए कुछ लोग हमारे जो हैं वो नाराज हो गए कि उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, इससे भावनाएं आहत होती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को समझा और उन्होंने कन्वे कर दिया कि भाई थोड़ा सा संयम बरतिए आप बोलने के पहले, बहुत लोग को बुरा भी लग जाता है, तो इसमें क्या गलत है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कह सकते हैं, हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश जी को भी एडवाइस देते थे जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें क्या हो गया, उन्होंने चेतावनी दे दी। नहीं, लेकिन बातों को अलग अर्थ मत लीजिए। अगले ही दिन अगर मांझी मन से कहते हैं कि हम कुछ लोगों को कह देना चाहते हैं कि हम उनकी बातों से घबराने वाले नहीं हैं, ये तो उन्होंने विपक्ष के लिए बोला था। विपक्ष ने कौन सी बात, ये तो उन्होंने विपक्ष के लिए बोला था। मैं एक और लाइन जोड़ूंगा, उन्होंने इस लाइन पे एक मिनट मैडम, एक मिनट आप बोलिएगा, मैं तो एक मिनट के बाद की बात बोल रहा हूँ। उस बयान के बाद उन्होंने ये भी बोला कि कुछ घोटालों की फाइल है जिसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। एक सप्ताह पहले का मांझी जी का बयान याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के विजिलेंस केस अगर खोल दूंगा तो आज जो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं क्यों नहीं खुल रहे, वो सांप सूंघ जाएगा। क्यों नहीं खुल रहे, खुल गया, यही वो बोले थे कि घोटालों की फाइल का शॉर्ट सर्किट शुरू हो गया है, बहुत जल्द तथ्य सामने आएंगे और मैं किसी से झुकने वाला नहीं हूं, मैं टूट जाऊंगा झुकूंगा नहीं। ये सुन के भारतीय जनता पार्टी या बाकी लोगों को बेचैनी हो गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन आएगा ना सामने। और सुशील मोदी जी ने बहुत गर्व से कहते थे कि उनको सारी जांचें करवानी चाहिए, तथ्यों को सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, मांझी जी सारे तथ्यों को सामने लाने जा रहे हैं, तब ये लोग जवाब देंगे कि मांझी रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, मांझी मुख्यमंत्री है, मांझी कैसा मुख्यमंत्री। बेचैनी हो रही है क्या आपको? हमको जी, हमको क्यों बेचैनी होगी? नहीं, ये कह रहे हैं कि शायद इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हम फाइलें निकलवा रहे हैं। अब इनको जदयू के लोगों को सुशील मोदी का फोबिया हो गया। मोदी फोबिया। सुशील मोदी बिहार के डबल मोदी फोबिया। सुशील हाँ, बड़े मोदी, सुशील मोदी बिहार के वित्त मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे, अब भावी मुख्यमंत्री हैं। और भावी मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, ये तय है बीजेपी में की तरफ से, आप प्रवक्ता की तरफ कह रहे हैं, एकदम तय है, बीजेपी की तरफ से घोषणा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। और कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं। सुशील मोदी जब बिहार के वित्त मंत्री थे तो बिहार का आकार वह 64,000 करोड़ रुपया, और वही जब राजद के शासनकाल में 15 साल के शासनकाल में 1400 करोड़ रुपया, कोई विकास का काम बजट 38,000 करोड़ ऊपर का नहीं हुआ, और 64,000 करोड़ पता होगा, बता दीजिए, 64,000 करोड़ आकार में है हुआ, और 18% विकास दर से बिहार आगे आगे बढ़ा। ये आंकड़ा और बिहार में सुशासन आए, जैसे ही गठबंधन हम हमसे तोड़े, ये तो गठबंधन में आते हैं हर चीज, जैसे ही गठबंधन तोड़े सुशील मोदी, ये उधर उतना पीछे जाने का मतलब नहीं जी ने, तो ये अराजकता का माहौल हो गया, 7% विकास दर से बिहार के नीचे आ गया। अच्युतानंद जी, मेरा सवाल सीएम मांझी को लेकर है, फिर मैं वही कहूंगा। देखिए, जेडीयू कह रही है कि भाई हमारे अंदर कुछ नाराजगी हुई, खुलकर अजय जी कह रहे हैं कि नाराजगी हुई, हमने समझाया और समझ जाएंगे, अब आगे तक रहेंगे सीएम, यही ना अजय जी? हमने सीएम को नहीं समझाया, हम अपने विधायकों को समझाया कि अगर नाराजगी है तो मीडिया के सामने ना जाए, और उन्हें भी सीएम साहब को भी सलाह दी कि सीएम साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सलाह दी, और सीएम साहब बहुत वरिष्ठ आदमी है और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। देखिए, सलाह फिर क्यों दिया आपने? क्यों नहीं देंगे? अरे शरद यादव जी उनके समकक्ष हैं, वो नहीं देंगे तो कौन देगा? समझाने की जरूरत नहीं है, हम क्यों उन्हें समझाने वाले? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समझाया, हमारे मुख्यमंत्री को सलाह दी, और समझाया जाता है पार्टी के विधायकों को जो उनके अनुभव में कमी होती है, उनको समझा, उन्हें सलाह दी गई, उन्हें समझाया गया कि जो बात कहनी है अगर नाराजगी है तो पार्टी के फोरम में आगे। सीएम को भी सलाह दी गई ना भाई? सीएम से विचार विमर्श शरद यादव जी ने कहा, मैंने एक बार नहीं चार बार आपसे वही चीज पूछना चाहता हूँ, आप क्या बात उनसे कहलवाना चाहते हैं वो बता दीजिए, वही मैं कहता हूँ। नहीं, शब्दों का भेर भेर कर रहे हैं। नहीं, आप क्या बात कहलवाना चाहते हैं बता दीजिए, मैं कहता हूँ। सलाह दी आपने रिकॉर्ड में भी, मशवरा किया, सलाह दी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को, निर्देश दिया, अब ये लीजिए चेतावनी दी, और लीजिए। अरे ये समूचा ढकोसला का हेर फेर है, ये समूचा ढकोसला है, ये जो शरद जी और नीतीश जी जो चाहते हैं आपस की बात, वही बात बोलते हैं। इन्होंने सुशील मोदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, कल इन पे हमला हो जाएगा चारों तरफ से। अरे क्या हमला, आप चलाइए जरा चैनल पे। अरे नहीं, वो तो मैं ब्रेकिंग चलवा रहा हूँ, ब्रेकिंग चलवाइए। अच्युतानंद जी ने कह दिया है बीजेपी की तरफ से औपचारिक तौर पर घोषणा की
उम्मीदवार अभी दिल्ली से घोषित नहीं हुए हैं, आप कह दिए पहले। अरे भाई कार्यकर्ता जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री कौन रोक देगा? नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ कहा नहीं है। कार्यकर्ता बिहार का कार्यकर्ता सुशील कुमार ठीक है, उस पर एक दिन बहस हम कर लेंगे। फिलहाल अब आप पर सवाल मैं ये करूंगा कि जीतन राम मांझी क्या रिमोट कंट्रोल से चलने वाले सीएम हैं? हमसे पूछ रहे हैं जी। जीतन राम मांझी रिमोट कंट्रोल से ही चलते हैं और शरद यादव और नीतीश कुमार के जो अंदरूनी विवाद है उसी विवाद के तहत जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुए हैं। यदि नीतीश जी इस्तीफा नहीं देते तो बलात् उनको पद से हटाया जाता। उसका समाज शरद जी के जो समर्थक विधायक है उन सब लोगों ने उस प्रकार के हालात पैदा कर दिया था। तो फिर जीतन राम मांझी खुलकर मन से ऐसे बोलते हैं और आपने भी कहा कि दृढ़ता से वो अपने आकाओं का मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर रिमोट कंट्रोल कैसे हुए? मैं कहाँ कहा कि दृढ़ता से अपने आकाओं का मुकाबला कर रहे हैं? देखिए आप मैं ये कहा जाजी कि जीतन राम मांझी को मैं दस सालों से जानता हूँ और जब से मैं असेंबली में गया हूँ कभी इस प्रकार का बयान जीतन राम मांझी का नहीं आया। जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो जीतन राम मांझी का बयान, जो उनके नेता शरद यादव और नीतीश कुमार ये जो प्लांड बयान, उनके प्लांड बयान को वो सब जगह देते रहते हैं जिससे कि जो सोशल हार्मोनी है जो दो से तो फिर वो दो सीट पर सिमट गए हैं वो। तो फिर अगर शरद यादव और नीतीश कुमार सीएम मांझी से ये सब बुलवा रहे हैं तो उसी बयानों को लेकर फिर सलाह क्यों दे रहे हैं कि संयम बरतिए? अरे सलाह अखबार के पन्ना में दे रहे हैं, सलाह दिखाने के लिए सलाह अखबार के पन्ना में दिया जाता है कि सलाह तो दोनों बैठे एक जगह चाय नाश्ता के टेबल पर वहां सुझाव और सलाह दिया जाता है कि अखबार के पन्ना में सलाह दिया जाता है। अजय जी अखबार के पन्ना में चेतावनी दिया जाता है क्या? नीतीश जी के साथ बैठ के नाश्ता हुआ था, एक घंटे की मीटिंग हुई थी, बातचीत हो गई थी। फिर अजय जी आप यहीं पर आपने कहा था खाना खाया था, यानी कि इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। जी एक मिनट जी, आज से 10 दिन पहले नीतीश कुमार जी के आवास पे जाके मुख्यमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की थी, एक घंटे चाय नाश्ते पे बातचीत हुई थी। हाँ, और एक आप जो बात कह रहे हैं वो कल रात की बात है जब माननीय शरद यादव जी रात्रि भोजन लेने के लिए नीतीश जी के यहाँ गए थे। दो मुद्दों को मिक्स मत कीजिए, आपका प्रॉब्लम है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं खुद। नहीं नहीं साहब, अजय जी अजय जी निकलना चाह रहे हैं। देखिए अच्छा ठीक है, चलिए छोड़िए उसी चाय नाश्ते पर यानी सीएम नीतीश कुमार, अब सीएम मांझी को नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई ये क्या कहा नहीं कहा, अंदर रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आपको जानकारी होगी, आपने कैमरा उन्होंने लगाया आप, होगा। आपसे पूछा गया कि भाई अखबारों में नहीं वैसे सलाह दीजिए, मिलकर सलाह दीजिए, यानी आप कह रहे हैं सलाह दीजिए, सलाह दिया गया। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपने कहा सलाह दिया गया। एक मिनट, मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आपका चैनल कैसे चलता है, ये मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला? तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी अपनी पार्टियों को देखें, अपना काम करें, हमें क्यों सलाह दे रहे हैं भाई? अपना घर देखिए, देखिए सलाह नहीं दे रहे अब सलाह नहीं दे रहे जी, नहीं अजय जी नहीं देखिए अब आपके सवाल का सलाह हम इनको कहा देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91 में वर्णित है कि मुख्यमंत्री पहला है और बराबर है अपने कैबिनेट मंत्रियों के, और मुख्यमंत्री बिहार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उस राज्य के विकास से मतलब रखेगा, वो इतिहास लेखन शुरू कर देगा और अन्य जातियों को गाली देना शुरू कर देगा, कहीं कुछ बोलेगा, कहीं अपने बेटा के कदाचारता का, किस जाति को गाली दे दी उन्होंने? अपने बेटा बेटा के कदाचारता को गाली दे दी, संवैधानिक अति में रजिस्ट्रेशन कर जाति को गाली दे, ठीक नहीं? किसी जरा उद्गार कीजिए ना, किस जाति को गाली दे दी? सवर्ण बारी है, सवर्ण बारी किस संदर्भ में का पूरा बयान आपने पढ़ा था? किस संदर्भ सवर्ण बारी है? किसी भी संदर्भ में हमको बारी करने का हक है, हम बारी है तो राम कृष्ण शंकर बारी है, हम बारी है आर्यन द्रविड़ियन के हिसाब से कहा, हम बारी है तो मनु बारी है, श्रद्धा बारी है, हम बारी है तो ब्रह्मा विष्णु महेश बारी है, बारी है हम बारी है तो राम। कौन सी बातें को पकड़ के क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी बातों को पकड़ के लेकिन बोलिए कि आपको इसलिए अजय जी लेकिन जो अच्युतानंद जी बात उठा रहे हैं अभी फिर वही बात आपने कही भी कि नाराजगी हुई है, इसी बात को लेकर नाराजगी इनको दूसरी बात की नाराजगी है, लेकिन अंदर भी नाराजगी पूरी बात समझेंगे तो नाराजगी नहीं रहेगी। हमको कहना अभी आपको नाराजगी है ना, अभी आप सवर्ण के बारे में पूरी बात आप ठीक है मान लीजिए इन्होंने भी नहीं समझी है, हम विश्व आर्यम गुरु, हम दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे ऐसा संकल्प लिया। अजय जी लेकिन पूरी बात इन्होंने नहीं समझी, ये विपक्ष के हैं, कहने वाला कोई नहीं, मुमकिन है कि नियत इनकी है विरोध करने की, तो इसलिए समझ के भी नहीं समझना चाह रहे हूँ। आपकी ही पार्टी के नेता अपने ही सीएम के खिलाफ, इसलिए हमने समझाया ना। हाँ तो यानी आपकी पार्टी के नेता भी नहीं समझे? हमारे हम लोगों ने समझाया, जो नहीं समझे जिन्होंने आवाज उठाई थी। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि बीजेपी पर आप बीजेपी भी नहीं, बीजेपी व्यर्थ में परेशान हो रही है भाई, उनका कोई मसला ही नहीं है। मैं बीजेपी जो चाहती थी मांझी से वो उनको नहीं मिला,
तो अब खिसियानी भी लिखवा नो चाहिए भाई, परेशान है तो बीजेपी क्यों? ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो मांझी जी से चाहती थी बिहार को मिलाने, आप ये क्यों नहीं समझते? क्या चाहते थे जो वो चाहते थे किसी न किसी तरह से मांझी जी को ले आना। आज ही पेपर में देखिए लालोसपा का स्टेटमेंट आया कि मांझी जी आ जाए, हम स्वागत करेंगे। मैं एक सवाल लेकर आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर नेता ही नहीं है, इन लोगों के पास करेंगे क्या? नहीं, सुशील मोदी कह दिए हमारे पास जितने नेता है आपके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के उस पार हम अजय जी आप सवाल मैं पूछूंगा, चाय नाश्ता में क्या हुआ था? क्योंकि आपने कहा कि भाई अखबारों में नहीं, हमने सलाह भी दी है, बुलाकर बात हुई है, तो आप फिर कह भी रहे हैं? नहीं, घुमा नहीं रहा हूं मैं समझना चाह रहा हूं आप जो चाहते हैं कि मैं बोलूं, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो वो मैं बोलूं क्या? आपने कहा था कि हुआ था, चाय नाश्ता के अंदर क्या बातें हुई थी मैं देखने गया था। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। स्वागत है आपका। मियाद मांझी की, हालांकि अजय आलोक जी कह रहे हैं कि चुनाव तक वो रहेंगे सीएम, कोई खतरा नहीं, कोई मियाद की बात नहीं, 29 नवंबर के बाद कोई फैसला नहीं, किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं, लेकिन बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है सीएम मांझी को भी कि मैं मई 2015 तक हूँ या नवंबर तक हूँ या कुछ दिनों तक हूँ, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? लेकिन सबके बीच सलाह एक सीएम को दी जाती है कि आप संयम बरतिए, यानी कि सीएम मांझी को लेकर जेडीयू के अंदर ऐसी स्थिति है कि उन्हें थोड़ा रोकिए, वो बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अनकंट्रोल हो रहे हैं, कंट्रोल कीजिए, ये ही बात है जी। अजय जी आप घूम फिर के उसी मसले पे बार बार घुमा, मेरा मुद्दा यही है, बहस का मुद्दा यही है, बहस का मुद्दा वही है, लेकिन इस बहस में कोई जान नहीं है इसी, क्योंकि मैंने बोला आपको कि कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अनकंट्रोल्ड हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा असंयमित हो जा रहे हैं, बहुत गंदी भाषा का प्रयोग कर दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि आप किस चीज का अर्थ कितना समझते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। मेरी इस बात को आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो किसी ने अगर उसका गलत अर्थ निकाल लिया हो और उसके कारण उसको क्षोभ हुआ हो, उसके कारण दुख पहुंचा हो, उसके कारण उसकी नाराजगी हुई हो, हम लोगों ने यह विधायकों को बताया, उनको सलाह दी कि आप ये बात आके पार्टी फोरम पर रखिए, प्रदेश अध्यक्ष नीतीश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर लेंगे, और यही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को कह दी। तो इसमें कौन सी बात है, ये तो हमारा विद इन इंटरनल पार्टी मैटर है, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोग एक दूसरे पे कोई भी निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आवाज़ उठाते हैं, अंतर बस इस बार इतना हुआ कि लोगों ने मीडिया में आवाज़ उठा दी, अब बात का बखेड़ा बन गया। तो एक को 100 देना हो, तूल करना हो, तो कोई बात ही नहीं है, अन्यथा ये कोई बात ही नहीं है कि इस पर इतनी चर्चा बढ़ाई। ये सलाह कहाँ दी गई, किसने किसको सलाह दिया, फिर आप आगे सलाह पे? नहीं नहीं, सलाह शब्द आप कह चुके, सलाह मशवरा आपने, बिल्कुल सलाह मशवरा, राजनीति तो राजनीति गतिविधियां सलाह मशवरा पे ही चलती। यादव ने मीडिया में सलाह दी, आप बताइए नीतीश कुमार पिछले 13 तारीख से अपने संपर्क यात्रा पे सलाह मशवरा ही वर्करों से कर रहे हैं, उसकी चर्चा आप नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मांझी जी के साथ क्या सलाह मशवरा कर रहे हैं उसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आप बताइए? एक साथ 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ जिला में सलाह मशवरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीतीश जी क्या मशवरा जीतन राम मांझी के साथ कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक घंटे में खबर बनती है आपकी इससे, मेरी बहस का मुद्दा आपकी खबर बनती है इससे ना, आप खबर देते हैं तभी तो हम बनाते हैं, आप ये खबर आप बनाना चाह रहे हैं? अजय जी नहीं नहीं, आपके नेता बयान देते हैं तभी हम चलाते हैं साहब, नहीं तो आपके नेता अगर बयान नहीं देंगे तो हम चलाएंगे। वही बात कह रहा हूं, इसको सुर्खी आप बनाना चाहते हैं, लूपहोल्स आप में है, देखिए अजय जी मेरी बात सुनिए, आप सलाह आप कह रहे हैं कि दी है, सलाह कहां दी है, मीडिया में, अखबारों में? अभी आप फिर भूल गए, अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है, सलाह मशवरा किया है, हो गई बात आपको, तो 10 मिनट पहले बताया मैंने इतने स्पष्ट शब्दों में, फिर वापस आप मुझे रिपीट करवा रहे, फिर आप कहते हैं कि चाय नाश्ता में क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो चाय नाश्ता नीतीश जी के साथ वो बैठ के कर रहे थे, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, मैं क्या अंदर रूम में था, कैमरा नहीं लगाया मैंने, चलिए ठीक है आप लगा लीजिए। आज आरजेडी इन सब चीजों में कहां है, क्या मांझी को लेकर जो समर्थन देने की बात कही गई थी, याद कीजिए आप भी लगातार कहते रहे कि भाई हमने एक महादलित चेहरे को लेकर भी हमने समर्थन दी, आज आप कह रहे हैं कि जेडीयू को हमने समर्थन दिया, कोई व्यक्ति नहीं? ना ना, दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से ही स्टैंड रहा है कि हम तो बीजेपी के खिलाफ और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हम लोगों ने समर्थन दिया था जेडीयू को,
और जेडीयू ने मैंने कहिए कि सौभाग्य से जेडीयू के नेता माननीय नीतीश कुमार ने विधायक दल के राय से जीतनराम मांझी को प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के रूप में। तो मैं समझता हूँ आरजेडी का स्पष्ट मैंने आता है कि हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए हमने राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू के सरकार को समर्थन किया है और मेरा समर्थन जारी रहेगा। मांझी को लेकर आपके पार्टी में क्या स्टैंड है? मांझी का स्टैंड और उनके बयानों को लेकर, मांझी के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल में कोई विवाद नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल उस विवाद को आप उनके बयानों को लेकर समर्थन, मैंने समर्थन दिया है, बिना सर समर्थन दिया। आप उनके बयानों का भी समर्थन करते हैं? हमने उनका बयान के कहा हम लोगों ने विरोध किया, उनके बयान का हम लोगों ने समर्थन किया है, उनके बयान में कहीं से विरोधाभास नहीं है। तमाम बयान जो भी जेडीयू के अंदर भी विरोध में हम लोग को नजर में नहीं दिखाई देता, विरोध आपको नजर नहीं आ रहा है, कौन सी गलत बात बोला? ठीक है अच्युतानंद जी, बीजेपी मांझी को लेकर कुछ सोच रही है या फिर सीधे सीधे एक चेहरा नीतीश अब बन गया है जिसे लेकर अब मांझी भले ही एक मोहरा आप मानकर चल रहे हो लेकिन है नीतीश कुमार, या फिर मांझी भी कोई खतरा है? देखिए बताते हैं, बीजेपी कभी इस प्रकार का विचार नहीं करता। बीजेपी एक राष्ट्र एक जन, भारत माता है, मातृभूमि के हम संतान हैं। अब जो इन लोगों का है राष्ट्रीय जनता दल या जदयू इन या अन्य जो वामपंथी पार्टियां हैं, इन सब लोगों का है कि समाज के अंदर विवाद पैदा करो। तो इनको लालू यादव हो या शरद यादव जी हो या नीतीश जी को एक मांझी के रूप में एक महादलित चेहरा इनको मिल गया, लेकिन मांझी के माध्यम से ही तो बयान दिलवाते हैं जिससे समाज टूटे, समाज के जो हारमोनी हुआ हारमोनी कोलैप्स करे। लेकिन मांझी में छटपटाहट क्या है कि मांझी तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब मांझी के शिक्षकों का सम्मेलन होता है तो मांझी के बस अकेले सीट पर बैठा रहता है, एक मंत्री नहीं जा रहा, ये कसर मांझी के मन में है। आज वैद्यनाथ सहनी मंत्री कह रहा है कि मांझी को मैं नहीं मानता हूँ, मैं नीतीश कुमार को मानता हूँ। पीके साई कह रहे मैं ना मांझी को नहीं मान रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार को मान रहा हूँ। अनंत सिंह कह रहे हैं मैं मांझी को नहीं मान रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार को मान रहा हूँ। नीरज जी जो प्रवक्ता है इनके पार्टी के, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो पार्टी से बड़ा नहीं है। ये तो इस प्रकार एक सुन लीजिए। हाँ। फिर जब सबसे बड़ा पर्दाफाश तब हुआ कि जब गांधी मैदान में रावण वध में सैकड़ों लोग हताहत हुआ, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री ने पूछा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में क्या हादसा हुआ? तो मुख्यमंत्री ने अनभिज्ञता जाहिर किया। ये प्रश्न चिन्ह में खड़ा है कि बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार के आला अफसर ने इस प्रकार के बड़ी घटना को जानकारी देने का समय तो रिमोट कंट्रोल से क्या एक, ये तो जेडीयू के अंदर स्टैचू पूछ को लेकर भी मांझी जो बार बार कहते हैं, क्या वो दर्द है कि कहीं सम्मेलन में मंत्री नहीं जाते, या फिर जो कह रहे हैं कि कोई भी कई सारे मंत्री हैं जो कहते हैं कि भाई हम मांझी को नहीं मानते? सबसे पहले एक बात का जवाब आपको देना चाहूँगा इनकी बात का, जो ये गांधी मैदान ब्लास्ट की बात कर रहे थे, जरा इनसे पूछना मैं चाहूँगा कि माननीय राजनाथ सिंह जी को किसने सूचना दी थी कि गांधी मैदान में ब्लास्ट हो गया, बताएंगे? ये बिहार सरकार के पदाधिकारी सूचना दी, और बिहार सरकार के पदाधिकारी पहले गृह मंत्री को सूचना देते हैं कि चीफ मिनिस्टर को सूचना देते हैं? बिहार सरकार के पदाधिकारी चीफ मिनिस्टर नहीं मान रहा, क्या हास्यास्पद बातें करते हैं और आप सुन के इसको चलाते हैं? अरे बिहार सरकार के पदाधिकारी पहले गृह मंत्री को सूचना देंगे, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री को वो सूचना नीतीश जी को देगा? मतलब आप वैचारिक स्तरता की बात करते हैं, ये है? नहीं नहीं आप बताइए कि एक सम्मेलन में एक सम्मेलन में सीएम अकेले रह जाते हैं, मंत्री नहीं पहुंचते, गृह मंत्री कैसे टीवी नहीं देखे, इंटरनेट आजकल गृह मंत्री के हाथ में रहता है, हम लोगों ने नहीं देखा, गृह मंत्री के हाथ में देखा आपने? चलिए मैं भी चाहता हूँ कि सस्पेंस पर से अजय जी, ठीक है अब समय कम है, चलिए कोई बेस नहीं होता, चलिए मैं भी चाहता हूँ कि ये सस्पेंस अब खत्म हो और अब सीएम मांझी को लेकर अब मैं भी बहस नहीं करना चाहता हूँ। आप नहीं एक सेकंड, ऐसी बात कहकर समय कम है, अजय जी कि उनको पहले से कैसे सीएम होने वाला है? सूचना आपके अजय जी कैसे सूचना दी कि ब्लास्ट हो गया? मीडिया के लोगों ने दिया।
उनको कैसे सूचना दी कि ब्लास्ट हो गया? मीडिया के लोगों ने, मीडिया के, चलिए अजय जी, मैं आपकी बात को कोट करते हुए खत्म कर रहा हूं कि आपने कहा है कि मांझी सीएम रहेंगे, चुनाव तक सीएम रहेंगे, चुनाव से पहले कोई बदलाव नहीं, कोई मियाद नहीं। जेडीयू की तरफ से स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है। जी पुरवैया पर अजय आलोक ने कहा है कि मांझी सीएम रहेंगे। खैर, लेकिन इस पर विवाद और बहस लगातार जारी है, होती रहेगी, देखते रहिए। बड़ी बहस, नमस्कार।